मैं उमेश कुमार कुशवाहा। मैं पहले मेरा वीडियो में आप देखे होंगे कि मेरा छत पर एक बकरी फार्म है, बाड़ा है मेरा छत पे, और छत पे अभी भी है और बाद में भी रहेगा, मैं करूँगा ही। लेकिन मैं नीचे भी एक बाड़ा बना रहा हूँ जो कि मेरा काम लगा हुआ है। अभी इसमें कुछ और टाइम लगेगा, लेकिन मैं अपडेट आपको कर दे रहा हूँ कि मेरा काम लगा हुआ है। और किस तरीका से बाड़ा का निर्माण करें जितना तक मुझे जानकारी है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, इस दीवार लगा दिया गया है, 8000 स्क्वायर फीट का बाड़ा है और मिस्त्री लेबर लगे हुए हैं, काम चल रहा है। और जैसे जैसे जो काम आगे बढ़ेगा, मैंने कैसे कैसे बाड़े को निर्माण में मैंने क्या क्या किया है, तो जो भी होगा मैं आपको अपडेट देते रहूँगा, बताता रहूँगा कि बाड़ा का निर्माण आप किस तरीका से करें। तो इस एरिया में मेरी बकरी रहेगी, जैसे मैं पहले ही बोला हूँ, कभी भी मैं बोलता हूँ या नियम भी यही है कि बाड़ा का निर्माण करें तो आपका बकरियों का निकास कम से कम उत्तर की ओर होना चाहिए। जिधर से बकरी का निकास हो उत्तर की ओर से होना चाहिए, और पूरा पश्चिम से खड़ा करके बंद कर देना है ताकि मौसमी हवा से बचाव हो। खैर, सभी का कहना अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरा ये तरीका है और वैज्ञानिकों का भी यही है कहना। और इसके फायदे नुकसान मैं देखता हूँ और उससे मैं वाकिफ हूँ, क्योंकि मैं फार्मिंग करता हूँ। तो जो बकरी इसमें मेरी रहेगी, ये बकरियों के रहने के लिए मैं बनाऊंगा, जो अभी आपको अभी बन रहा है, काम लगा हुआ है, तो उतना समझ में अभी आपको नहीं आएगा। और इधर बाहर जो एरिया है वो बकरियों को घूमने के लिए रहेगा। तो ये देखिए, इसमें जो मिट्टी का मैंने इस्तेमाल किया है, इसमें ये गंगा बालू है, ये रेतीला मिट्टी है। ये मेरे यहाँ जो गंगा नदी मेरे घर के बगल में ही है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर बगल में, वहाँ से ये बालू मंगा लिया जाता है। इस पे क्या है कि इस पे बकरियाँ रहेगी, और ये बाद में बराबर करके, इसके लेवल में बराबर करके, ईंट का स्लोपिंग मैं इसमें जो ईंट से 1 इंच 1x1 इंच छोड़कर इसको मैं इसको ईंट लग बिछवा दूंगा, ताकि बकरी पेशाब करे तो डायरेक्ट अंदर चला जाए और ये बिल्कुल इसके अंदर चला जाएगा। ये पानी सोखने का कैपेसिटी इसमें होता है और नमी से बचाव होगा बाड़े में। तो कभी भी बाड़ा का आप जब निर्माण करते हैं तो नीचे कोशिश करें कि इस टाइप का मिट्टी या रेत जो भी हो जहाँ बकरी रहेगी ये होना चाहिए, ताकि इसमें पानी अगर पेशाब बकरी करती है डायरेक्टली तो ये नीचे चला जाता है। तो इस टाइप का करें। और ये देखिए, मैं इधर ये चारा रखने के लिए ये रूम तैयार किया जा रहा है, इसमें चारा रखने के लिए मैं बनाऊँगा, इसमें बकरियों के लिए चारा रहेगा। और मैं अपना रहने का व्यवस्था उधर जहाँ मिस्त्री आप देख रहे होंगे लास्ट में जो ठोका जा रहा है, उस साइड में मैं अपने रहने के लिए व्यवस्था करूँगा। तो देखिए, बीच बीच में ये जो गैप दिया हुआ है, ये जो बीच बीच में गैप दिया हुआ है, इसमें जो ऊपर वहाँ जो आप देख रहे हैं, ऊपर देखिए, ऊपर जो दीवार आप देख रहे हैं, जहाँ बकरी जहाँ खड़ी है या खड़ी रहेगी, वहाँ से कम 8 से 10 फीट ऊंचाई होना चाहिए। तो 8 फीट है, थोड़ा सा उस पर ईंट और लगेगा, 10 फीट तक जाएगा। और नीचे यहाँ बकरी खड़ी रहेगी और उसका ऊँचाई जो ऊपर का करकट लगेगा मेरा, वो 10 फीट पर रहेगा। 8 फीट पर लगा भी 8 फीट पर अभी आप कर सकते हैं। तो जो जिस पे करकट रहेगा, ये यहाँ मैं इस पर एंगल जाम करके, और इसमें लोहा का पाइप लगेगा, तो लोहा के पाइप ऊपर जाकर ये लोहा का पाइप दिया जाएगा और उस पर करकट आके गिरेगा, तो छोनी होगा इसका, तो वो बाद में समझ में आएगा आपको। इधर मैं दिखाता हूँ, जब बाड़ा का निर्माण आगे चलेगा और भी काम इसमें होगा तो आपको सारा चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ये जो बालू मैं अभी गंगा बालू बोला था, जो रेतीली मिट्टी है, ये पूरे में फैला दिया जाएगा। जब बन जाएगा बाड़ा, जब लगभग कंप्लीट हो जाएगा, तो बाकी फैला दिया जाएगा और इसको और भी मंगवा लेना है। देखिए, लोहा वाला एंगल वाला, ये तो देखिए लोहा का एंगल इस टाइप से, जो ये मैं आपको बताया था, इसमें 4 एंगल इस टाइप से लगाया जाएगा, दूरी बाय दूरी करके 4 एंगल, और इसको जाम कर दिया जाएगा, सीमेंट बालू के जरिए जाम कर दिया जाएगा, और उस पर से ये इस पर पाइप को कस दिया जाएगा, जो कि पाइप ऊपर रहेगा और इसी के सहारे करकट रहेगा। तो ये सब अपडेट मैं आपको आगे दिखाऊंगा, जो आपको क्लियर समझ में आएगा। आज दिखाने का मेनली मकसद था कि मेरा एक मित्र कमेंट किए थे कि सर आपका बाड़ा बन रहा है तो अपना नया बाड़ा के बारे में बताएं। तो इस टाइप से है कि कभी भी बाड़ा का निर्माण आप करें तो मेनली आपको ध्यान ये रखना है कि जहाँ मैं बकरियों को रखूँगा तो वहाँ नमी मुक्त होना चाहिए। तो इस टाइप का आप मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं बाड़े के अंदर जहाँ बकरियाँ रहेगी, ताकि नमी से बचे, ताकि बीमारी का बहुत बड़ा कारण नमी ही है। उस साइड से मेरा गेट है जो कि पश्चिम साइड है, तो मेरा एंट्री पश्चिम साइड से रहेगा, तो पश्चिम साइड से मेरा आने का रास्ता रहेगा। उसके बगल में जो रूम बन रहा है, ये जो रूम आप देखेंगे, आइए, ये जो रूम बन रहा है, इसमें रूम अपना रहने के लिए हो जाएगा। इसमें अपना जो भी हम रह लें या फिर कोई जो भी बाड़े का देख रेख जो भी करेंगे वो इस रूम में रहेंगे।
और चारे के लिए मैंने उधर आपको दिखाया ही है। तो अभी निर्माण कार्य चल रहा है, मैं आगे जिस तरीका से बनता है तो अभी आपको जो भी लगा हो, लेकिन जब बन जाएगा तो आपको देखने में अच्छा लगेगा। तो जो मैं मेरा ट्रेनिंग जो पिछला बैच चला था, तो ट्रेनिंग चला था तो उसमें कुछ लोग आए थे जो उनको मैंने बाड़ा विजिट कराया था, उसका ही वीडियो मैं आपको इसमें डाल दूँगा। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, प्रणाम। और काम अभी लगा हुआ है, इसलिए थोड़ा वीडियो मेरा कम जा रहा था, थोड़ा मैं इस काम में व्यस्त था, फ़ोन भी बहुत कम उठा रहा था, तो बहुत सारे मित्र समझ रहे होंगे कि फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो कोई भी काम होता है तो आदमी उसमें इंसान को बिजी हो जाना पड़ता है। तो जैसे ही बाड़ा का काम आगे चलेगा, जैसे जैसे इसमें काम आगे की ओर बढ़ता जाएगा, मैं आपको दिखाऊँगा। और बस आप लोग का आशीर्वाद और चाहिए ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब हो पाऊँ। घूमने की भी जगह चाहिए अगर है तो, कहने का मतलब है कि उत्तर जो निकास होना चाहिए, इधर उत्तर है, ये उत्तर है तो पश्चिम से रास्ता है, पश्चिम से हम आएंगे इसका उत्तर से कौन गया, तो अगर आपके पास जगह जैसा रहे उस समय ही बना है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जगह उत्तर पूरा पश्चिम बना रहे हैं तो जगह लंबा आपका है तो लंबाई कम ही इसका लें, ताकि बाइक भी करेंगे तो वेंटिलेशन हो गया। हाँ, 10 फीट में है तो 10 फीट में लगता, लोग का सवाल कई बार आया कि पूरा पश्चिम पाइप की जगह दम हो जाएगा, इतना दिन में कैसे दम हो जाएगा, यही बहुत लंबा रहेगा, घूम सकता है क्योंकि सारा छेद बंद होगा। इधर से क्या है कि इतना दूर रहेगा ना, कहीं से खुला हुआ ना भी है तो वैसे फीट है तो इधर से हवा खाते रहेगा, इस टाइप से है। और अब देखिए वहाँ भूसा रखने के लिए इधर कोना में सीधा नहीं है, जमीनें सीधा नहीं है, देखिए जमीन यहाँ है इसलिए यहाँ है, बीच यहाँ इसके साथ है, तो दो प्लॉट है जो हुआ जो है ना, ये प्लॉट दूसरा था, जंगल कुछ दूसरा था, तो कितना कट्ठा का प्लॉट है बाबा, तीनों मिला गए वो हमारा 10 कट्ठा पड़ता है, वहाँ से लोग बचे हैं है, जो औरत जब बैठे हुए यहाँ जो घेरा रहा वहाँ तक कहीं तो हम नापे नहीं क्या इतना है, और तो और अपना जानवर बांधने लगे तो जैसे जंगल तो व्यवस्था का अच्छा रहा है, काम से काम नहीं करना, इधर भी बना देंगे और कहीं और बना देंगे।